हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इस वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना यार, क्योंकि मतलब उसे इग्नोर करना जितना हो सके, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिनों से मैं बिजी था, अपने कामों को लेके प्रॉब्लम चल रही थी घर में, उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो बैकग्राउंड नॉइस को मतलब उतना कंसिडर मत करना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हर जगह मैं 2-3 लोकेशन जा चुका हूँ, हर जगह नॉइज़ है। आज संडे वाले दिन में संडे धमाका बनाना जरूरी था, क्योंकि 3-4 बहुत सारी अपडेट मैं आपको दे नहीं पा था। अगर आप लोग चाहते हो मैं अपडेट आपको देता रहूँ कि एफ कोड वगैरह के ऊपर भी, बहुत सारे लोग चाहते हैं मैं एफ कोड के ऊपर वीडियो बनाऊँ, कि बहुत एफ कोड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि एफ कोड होता क्या, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो आएगी, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि आपके आईडी में एफ कोड क्यों रिडीम होते हैं। और अमेजोन की COD ट्रिक्स मोबाइल के ऊपर भी बहुत जल्द आने वाली है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आ रहे हैं, वो दोनों वीडियो में बहुत कल परसों में डाल दूंगा। आज की वीडियो में जो भी अपडेट रह रहे हैं वो सारे के सारे दे दूंगा, जो भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मैं वहाँ सारी अपडेट दे रहा था, वीडियो के तौर पे नहीं लेकिन स्टोरी के तौर पे मैं सारी की सारी अपडेट दे रहा था आप सभी लोगों को। तो पहली न्यूज़ के बारे में बात कर लूँ, यहाँ पर है अमेजोन की सेल के बारे में। तो अमेजोन सेल को लेके बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं इंस्टाग्राम पे, सब क्वेश्चन पूछे थे, मैंने कमेंट बॉक्स आज चेक करे, कमेंट बॉक्स में मेरे पास 14-15 कमेंट थे अमेजोन सेल को लेके, क्योंकि लोगों ने होली वाले दिन अपने कपड़े फाड़ लिए, क्योंकि सोचे थे अमेजोन पे सेल आएगी तो कपड़े फाड़ देते, तो उन्होंने फाइनली कपड़े फाड़ लिए अपने, और वो मुझसे रिक्वेस्ट करे सर हमें नए कपड़े लेने, कहाँ से ले। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि अमेजोन पे सेल आ रही है फैब सेल के नाम से, तो ये जो है फैंटास्टिक सेल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा हर फोन के ऊपर। सबसे स्पेशली बात यहाँ पर है कि आपको रेडमी नोट 5 प्रो जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा 11,000 का, तो आप लेना चाहते हो तो ये फ़ोन ले सकते हो। बैंक ऑफर बता दूँ, बैंक ऑफर होगा 5% इंस्टेंट डिस्काउंट SBI कार्ड के ऊपर। तो ये कार्ड जो है 5% इंस्टेंट डिस्काउंट है, लेकिन आज तभी मिलेगा अगर आप EMI ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से SBI के, तो उसके बाद आपको EMI सेलेक्ट करना पड़ेगा और तब जाके आपको 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने मिलेगा। तो ये मतलब कुछ जमा नहीं है, बैंक ऑफर बेकार ही है, मैं आप लोगों के लिए इसके लिए ब्रीफली वीडियो बना दूंगा। अगर आप 6 से परचेज करते हो तो 6 से के लिए आपको मतलब अच्छा खासा मिल जाएगा, 5500 का अमाउंट कर दिया 6 से पे, 2 GB 16 GB का वेरियंट, और प्लस में अगर 6 से परचेज करते हो तो 500 रुपये का MI कैशबैक मिल जाएगा, मतलब अमेजोन पे बैलेंस कैशबैक मिल जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है कि आपके 500 रुपये अमेजोन पे बैलेंस आ जाएगा और ये फोन पड़ जाएगा 5,000 का, अगर आप 2 GB 16 GB वेरिएंट लेते हो। काफ़ी अच्छी डिमांड होने वाली है, आप परचेज कर सकते हो इस फोन को, क्योंकि मेरे हिसाब से ये फोन काफ़ी मस्त है और आपके लिए बहुत इंजॉयबल फोन है। अब मैं बात करता हूँ कुछ और भी बातों के बारे में, जो कि है Mi A3 और Mi A3 Lite के बारे में। ये दोनों फोन जो है सर्टिफाई किए गए HDR के थ्रू, ये काफ़ी अच्छा है कि मतलब दोनों फ़ोन को सामने ले आया गया है, अप्रैल के एंड तक में चाइना में लॉन्च हो जाएगा। Mi A3 के अंदर बताया जा रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होगा और काफ़ी हाई स्पेसिफिकेशन होने वाली है। इस बार कहा जा रहा है कि 700 की सीरीज़ का प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा, स्नैपड्रैगन 700 सीरीज़ का, तो काफ़ी अच्छी बात है। स्नैपड्रैगन 712 है, 710 इसके अंदर देखने को मिलेगा, प्लस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा, तो ये बहुत अमेजिंग बात है। आप इस फोन को एंजॉय करोगे और 20,000 के अंदर में और भी फोन कंपनीज दे रही है, स्पेसिफिकेशन उसके अंदर अच्छी है लेकिन प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं होता है, बट इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको अच्छा लगेगा और पॉप अप कैमरा भी हो सकता है सेल्फी वाला। उसके बाद बात करता हूँ Mi A3 Lite के बारे में। तो ये फ़ोन आपको इंडिया में Redmi के नाम से जाना जाता है, Redmi 7 Pro के नाम से जाना जाएगा। इस फोन में Snapdragon 632 का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आपको Redmi 7 भी देखने को मिल रहा है, बट मुझे कुछ बात जमी नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप Snapdragon 636 देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट अभी तक बताया जा रहा है कि 632 मिलेगा। देखते हैं कि आगे क्या देखने को मिलता है। इन दोनों की फ़ोन की प्राइसिंग 1 की 10,000 से नीचे होगी और 1 20,000 से नीचे। देखने में मिलता है कि Redmi इंडिया में क्या कमाल करेगा Mi A3 को लेकर और Mi A3 Lite को लेकर। अगली बात करते हैं Redmi Y2 के सक्सेसर Y3 के बारे में। तो यहाँ पर Y3 वाईफाई सेटिस्फेक्शन के लिए जा चुका है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। यहाँ पर वाईफाई की जो रेंज बताई जा रही है 2.4 GHz तक की वाईफाई रेंज होगी इसकी, और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर होने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरे के अंदर कोई सेंसर देखने को मिलेगा, शायद सैमसंग का सेंसर बताया जा रहा है, पॉपअप सेंसर होगा, पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि काफ़ी अमेजिंग हुआ। इस फोन को आप इस्तेमाल कर सकते हो और आप इसमें इंजॉय करोगे, कम से कम 20 MP का सेल्फी कैमरा होने वाला है विद सैमसंग का कोई सेंसर बताया जा रहा है। देखने में मिलता है कि ये रूमर्स कितना सच होती है और कितना नहीं। इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना, मैं एम कर रहा हूँ 80 लाइक्स के लिए, 80 लाइक्स कम से कम इस वीडियो पे बनते ही हैं। और अगर आप लोग चाहते हो मैं एफ कोड और अमेजोन की ट्रिक बताऊँ COD वाली, तो वो भी जल्द आ जाएंगी, कल परसों में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, बैकग्राउंड को प्लीज़ यार माफ़ करना उसके लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इंस्टाग्राम का हैंडल है ट्रिकी सिया, मिल गया होगा, जाओ फॉलो करो और प्लीज़ क्वेश्चन जो है सारे इंस्टाग्राम पर पूछो, स्टोरी देखो, सारी डिटेल बताता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। I'm not afraid to die.